हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं ट्रेलर रिव्यू ऑफ शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेलर 2017 में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी जिसने लोगों के चेहरे से शर्म का पर्दा निकाल फेंका था और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करने की पूरी आज़ादी दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुभ मंगल सावधान की। अब उस मूवी के फिल्म मेकर्स वापस आ चुके हैं एक दमदार कंटेंट के साथ, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। इस मूवी में आपको लीड रोल में देखने मिलेंगे आयुष्मान खुराना, कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और गजरज राव। बॉलीवुड में अगर यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बने और उसमें आयुष्मान खुराना ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, चाहे हम बात बाला की करें या ड्रीम गर्ल की। उसी तरह इस मूवी में आयुष्मान खुराना एक होमोफोबिया यानी कि होमोसेक्सुअल होने वाले हैं और इसमें उनका साथ निभाने वाले हैं जीतू भैया। साथ ही आपको सपोर्टिंग रोल में देखने मिलेंगे नीना गुप्ता और गजरज राव, जो इससे पहले आपको बधाई हो में दिखे थे आयुष्मान के साथ। देखो, ट्रेलर देख के इतना तो क्लियर है कि इसकी भी एंडिंग एकदम हैप्पी वाली होने वाली, वो भी एकदम DDLJ स्टाइल में। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये मूवी बोल्ड होने वाली है और इसको लेके कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं, लेकिन सेक्शन 377 लागू होने के बाद इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। शायद से कुछ लोग इस सीन से ऑफेंड हो जाए, इसलिए अच्छा किया इसे ट्रेलर में ही दिखा दिया, वरना अगर डायरेक्ट मूवी में दिखाता तो लोग कहते ये क्या दिखा दिया। लेकिन अगर ट्रेलर को देख के आपने अपना मन बना ही लिया है तो ये मूवी देखने ज़रूर जाना, क्योंकि आयुष्मान की बाकी मूवियों की तरह भी इसमें कॉमेडी और वन लाइनर्स भर भर के होने वाले हैं। तो बस फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई, अगर नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या नहीं पसंद आ रहा, क्या चाहिए, जो भी है कमेंट करो प्लीज़। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।